भाई जो हमारे मतलब यूट्यूबर में जो वीडियो बना के डाल रहे हैं, तो मतलब जो कि मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि इनका वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद जो है लाइक कीजिए, इतना से इतना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए कि इन भाई जो बनाते हैं मतलब इनको मतलब और ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे और इन लोगों को मतलब जो हौसला अफजाई होगा, अगर हौसला अफजाई नहीं होगा तो इनको मतलब भाइयों को मतलब वीडियो बनाने में मतलब जो है कि मज़ा नहीं आएगा और मेहनत नहीं करेगा, क्योंकि भैया समझ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। गाइस आज मेरा तबीयत खराब है, फिर भी मैं सोचा आप लोगों के लिए ब्लॉग शूट कर लेता हूँ। तो आज हम लोग जा रहे हैं छोटा सा पार्क और बाजार में थोड़ा काम है, काम भी कर लेंगे, उसके बाद जाएंगे हम लोग घूमने के लिए। फाइनली गाइस ये देख सकते हैं जो कल मुहर्रम हुआ था उसी का तजिया है, मतलब निशानी ये देख सकते हैं कितना बड़ा है। ये अभी हवा के कारण मुड़ चुकी है और चलते हैं हम लोग, पार्क के बहुत नज़दीक आ चुके हैं। और ये जो छोटी छोटी झंडा है ये भी निशानी है, इसको हम लोग शायद इस्लाम का निशानी, इसको शायद हम लोग क्या बोलते हैं, निशान बोलते हैं, इसका नाम ही निशान है। तो चलते हैं हम लोग अब। 15 minutes later. गाड़ी लेके ऊपर आ रहा है, देखिए स्टंट मैन बन रहा है, देखिए कुछ दिनों में बन जाएगा, देख सकते हैं। फाइनली अंदर प्रवेश कर चुके हैं, देखिए गाड़ी रजनीश भाई ने पार्किंग कर दिया यहाँ पर। नीतीश कुमार आया था उद्घाटन करने के लिए इसका, देख सकते हम पार्क के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और स्ट्रिंग पीने जा रहे हैं और मेरे साथ मेरे मामू भी हैं। एनर्जी बहुत लॉस हो चुका है कल मुहर्रम की वजह से, बहुत घूमे हम लोग, तो अभी स्टेरिंग पियेंगे तो थोड़ा एनर्जी मिलेगा हम लोगों को, तो हम लोग व्लॉग बना पाएंगे, नहीं तो एनर्जी नहीं मिलेगा तो फिर व्लॉग कैसे बनाए। पड़ रही है तो फिर सब व्लॉग भी नहीं बनेगा, हम लोग को दिखाई नहीं देगा किधर जाना है नहीं जाना है। तो कल हवा भी बहुत है, सब माइक लगाना पड़ेगा क्योंकि इस तरफ बनना अच्छा, आप लोगों के पास अच्छी आवाज़ नहीं पहुंच पाएगी। तो हम लोग स्ट्रिंग पीने के बाद आप लोगों से फिर बात करते हैं, मिलते हैं। स्ट्रिंग पीने वाले हैं, पीने का टेस्ट थोड़ा कम हो गया क्योंकि हॉट हो गया, गर्म हो गया, क्योंकि हम लोग 3 किलोमीटर घर से चल के आए हैं, तो जाहिर सा है कि ठंडा चीज़ गर्म होगा ही। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो यहाँ पर कुछ भाई मिल गए, उससे इंटरव्यू ले रहे हैं, तो बताइए आपका नाम क्या है भाई जी? मैं तो सबसे पहले आपका मतलब जो कि ये चैनल का मतलब जो कि शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मुझे मतलब जो कि बोलने का मतलब जो कि मौका दिए, ठीक है जी जी। और सबसे पहले मेरा नाम मोहम्मद शमशाद है जी, जो कि मैं पूर्णिया जिला की मतलब डगरवा प्रखंड के डगरवा ब्लॉक के हैं जी जी जी। तो मतलब जो कि हमको वहाँ मालूम हुआ था कि मतलब जो राजाखोर का बगल में अररिया से जो मतलब एक रोड पश्चिम तरफ गई है, हाँ रानीगंज जाने वाली रोड में, यानी कि राजाखोर बाजार है, मतलब बाजार से मतलब कुछ मतलब बाया साइड में मतलब एक राजा पोखर के नाम से बहुत मशहूर जगह है, मतलब जो कि वहाँ पे जनजीवन हरियाली का मतलब कुछ पौधे भी लगे हुए हैं, जिसका कि शुभारम्भ मतलब यानी कि श्री नीतीश कुमार किए हुए थे ये मतलब 1-2 साल पहले। और उसके बाद जो है कि हम लोगों को मालूम हुआ तो समथिंग हम लोग मतलब जो कि वहाँ से चले डगरवा से, तो लमसम हम लोगों को मतलब जो कि 2 से 2.5 घंटा लगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ आए तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा कि यहाँ मतलब जो कि पानी का तालाब है, बहुत सारे गाज मतलब जो लगे हुए हैं, बीज मतलब जो पौधे उधे सब कुछ लगे हुए हैं, यहाँ बैठने का मतलब यानी कि चेयर सा बना हुआ, जैसे कि पार्क सब में रहते हैं ना उसी तरीके से, मतलब यहाँ पे मतलब जो कि चेयर लगे हुए हैं, मतलब जो बैठने का इंतजाम है, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है यहाँ पे, और बहुत अच्छा हमको लगा मतलब जो कि आप लोगों से फिर उसके बाद मिले। मिलने के बाद आप लोगों से बहुत हमको खुशी हुई कि यहाँ पे मतलब जो कि अपना भी मतलब सीमांचल इलाके में जो कि सीमांचल का बदहाली था, उस बदहाली से निकल करके मतलब यानी कि एक जगह भी ऐसा बना है जहाँ कि घूमने का जगह है।
जो कि मतलब जो कि हम लोगों को बहुत पसंद हुआ। और मैं और सबसे भी मतलब जो गुजारिश करना ये चाहता हूँ कि और जो भी भाई मतलब ये मेरा यूट्यूबर देखते हैं तो यूट्यूबर के माध्यम से जिनको भी खबर होती है जो ये यहाँ आने का कष्ट करें यानी कि घूमिएगा फिरिएगा बहुत अच्छा लगेगा ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मतलब बहुत तरीके के आपको मतलब वो फलदार मतलब चीज़ें मिलेगा देखने को, एक से एक एक से एक चीज़ मिलेगा आपको देखने के लिए जी जी ठीक है। मैं आप भाई बंधु से यही कहना चाहता हूँ और इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँगा आप लोगों से, बहुत मतलब जो है कि आप लोगों से मतलब बहुत कुछ कहा मैंने ठीक है। और मैं ये कहना चाहता हूँ ये भाई जो हमारे मतलब यूट्यूबर में जो वीडियो बना के डाल रहे हैं तो मतलब जो कि मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि इनका वीडियो देखने के बाद सब सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद जो है लाइक कीजिए, इतना से इतना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए कि इन भाई जो बनाते हैं मतलब इनको मतलब और ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे और इन लोगों मतलब जो हौसला अफजाई होगा, अगर हौसला अफजाई नहीं होगा तो इनको मतलब भाइयों को मतलब वीडियो बनाने में मतलब जो है कि मज़ा नहीं आएगा और मेहनत नहीं करेगा, क्योंकि भैया समथिंग एक वीडियो बनाने में कम से कम 2 से 2.5 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा लगता है एडिट करने में, सिर्फ वीडियो तो 4 से 5 मिनट में बन जाते हैं लेकिन उसको एडिट करना मतलब जो कि बहुत तब मिलता है तब होता है, यानी कि जो है कि उसको मतलब जो कि सिस्टम में डालने के बाद सिस्टम में डालता है उसके बाद कट कट करके मतलब उसको मतलब सेटिंग किया जाता है, कहीं कोई बात अगर कोई गलत सलत बोल दिया है तो वो बात को हटाया जाता है, जो फ्रेज यानी कि जो शुद्ध बात है वही बात को यानी कि एडिट करता है, क्योंकि ये वीडियो कोई एक ऐसा वीडियो नहीं है, हजारों करोड़ों लाखों आदमी देखते हैं, जिन भाइयों से मतलब ये वीडियो देखेंगे उनसे मेरा ये निवेदन है कि मतलब वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये वीडियो का माध्यम से बोलना चाहते हैं आप लोगों को कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे साथ बने हुए हैं मेरे भाई साहब और इनसे मतलब जो कि बात कीजिए आप कैसा लगा तो ये बता दीजिए कि आपको कैसा लगा। हमको भाई आपका चैनल मतलब बहुत बढ़िया लगा और आपसे मिलने के बाद हमको बहुत बढ़िया लगा, यहाँ का मतलब जो कि हर चीज़ हमको पसंदीदा हुआ और आप लोगों से मिले, आप लोग बातचीत की हमसे और हम लोगों को बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके और हम लोग को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और कुछ मेरा भाई आए हुए शहनवाज जी, इनसे बात कीजिए आप इनको कैसा लगा, हमको तो बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को भी यहाँ घूमे और बहुत अच्छी लगी है पोखर में और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पानी भी देखे हम लोग, खैर पानी कितना है ये मालूम नहीं लेकिन बहुत अच्छा मतलब माहौल है यहाँ का, आप लोग बहुत अच्छे हैं और देखिए ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो हमें अभी मिल के आप लोगों से बहुत अच्छा लगा जी जी, तो फिर मिलेंगे जरूर। हाँ फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, हमारे साथ में मेरा मतलब जो कि भाई साहब है वो रोहताब जी, उनसे बात कर लिए जो कि मदारगे गांव का है जी। भाई आपको कैसा लगा? भी बहुत अच्छा लगा इस पोखर पर घूमने के बाद, आप लोग जो हम लोग का इंटरव्यू लिए बहुत अच्छा मजा आया हम लोग, हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल के। जी जी थोड़ा क्या करें, माइक खराब हो गया, जल्द से जल्द माइक ले लेंगे, आपको दिक्कत हो गया तो मैं इसीलिए मतलब जो आपसे समझ आता हूँ कि माइक आप अच्छा अच्छा खरीदिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे मतलब जो मोबाइल भी आप बढ़िया खरीदिए, जो मोबाइल में जो क्लियर फोटोज आए जो कि देखने में मतलब लोगों को परेशानी ना हो, आप लोग आप बोलिए सपोर्ट कीजिए तो इंशाल्लाह हम लोग तो मतलब आपको दिल से अपना मतलब सपोर्ट करना चाहते हैं और सपोर्ट भी करेंगे इंशाल्लाह, मतलब लाइक भी करेंगे क्योंकि आपका चैनल मतलब आगे आगे बढ़े, आप लोगों को मतलब इस चैनल के जरिए से मतलब बहुत मतलब यानी कि आप लोगों को सम्मान और आप लोगों को इज्जत दें ठीक है, जिसके जरिए से आप लोग मतलब जो है कि हर चीज़ कर सकते हैं और मतलब जो यहाँ से ऊपर तक आप लोग जा सकते हैं, मतलब अपना इससे और आगे आगे आप जा सकते हैं, जाने का आपको मौका मिलेगा और ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह, मेरा आपसे यही मतलब गुजारिश है। से मिलके बहुत अच्छा लगा, क्या बताऊं, और ये मेरे छोटे छोटे दो भाई हैं, आप लोगों के क्या नाम है भाई, आप लोग भी अपना इंटरव्यू दे दीजिए। पिंटू नाम है, आपका घर कहाँ है? रामपुर साइकिल से आए वहाँ से जी, छोटे छोटे भाई हैं वो साइकिल से आए इतना दूर से पार्क का आनंद लेने के लिए, ये देख सकते हैं चारों बगल कितना खतरनाक नज़ारा है, और वहाँ पर मेरे एक बड़े भाई हैं, चाहेंगे सोचेंगे उससे भी इंटरव्यू ले लें, तो जाते हैं हम लोग, मिल चुके हैं और इसका नाम पूछते हैं कहाँ से है, इंटरव्यू देंगे। तो भाई सबसे पहले आप ये बताइए आप कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल कुमार है जी। तो आप कहाँ से हैं? रजोकर से जी। मेरे भाई रजोकर से हैं, और आप यहाँ पर कैसे आए, आपको यहाँ पर आके कैसा लगा? बढ़िया लग रहा है। तो ये भाई को भी आनंद आया क्योंकि यहाँ पर पार्क में सबको आनंद ही आते हैं, मज़ा आते हैं यहाँ पर घूमने में, और ये भाई को धन्यवाद समय हमें देने के लिए, और भाई से कुछ बातचीत करेंगे उसके बाद फिर आगे की ओर निकलेंगे आएंगे, और अभी हम नदी के बीच में भी जाएंगे कैसा है नहीं है, और यहाँ पर शायद कुछ हो रही है नदी में, यहाँ पर यह होता है मखाना पता नहीं क्या उसी को निकाल रहे हैं,
वो शायद उपजाया जाता है, उसके बाद फिर उसको निकाल के कार्यक्रम करके बहुत सारे, उसके बाद उसको फिर मार्केट में सेल किया जाता है, बेचा जाता है। तो यही यहाँ पर यही सब हो रही है, और यहाँ पर मेरे मामू घूम रहे हैं, और ये देख सकते हैं हम मछली, ये नदी से उसको निकाला गया है, ये मछली मर गया है, मतलब डेड हो गया। और ये देख सकते हैं, मैं एक कोने से जाके आप लोगों को दिखाऊंगा व्यू। और ये देख सकते हैं मखाना इस तरह का होता है, और मैं एक कोने में जा रहा हूँ, वहाँ से दिखाऊंगा आप लोगों को। हमारी आवाज़ की थोड़ी परेशानी हो रही होगी, क्योंकि क्या बताऊँ, माइक ही ख़राब हो गया, मेरा दिन आज ख़राब था शायद। और ये देख सकते हैं इसी तरह निकाला जाता है इस चीज़ को, इसके अंदर कांटा बहुत रहता है, इसलिए पूरा सेफ्टी के साथ निकाला जाता है। और हम लोग जा रहे हैं आगे की ओर, दिखाएंगे हम लोग चारों बगल घूम लेंगे, उसके बाद फिर अपना घर चले जाएंगे। और ये देख सकते हैं इस कोने से किस तरह का व्यू लग रहा है इस पार्क का। और वहाँ पर कौशन भाई जो थे, मतलब मेरे अंकल, वो अभी वो बंदे के साथ ही हैं शायद, वो आएंगे थोड़ा लेट से, वो समी भाई के साथ है। समी भाई भी शायद अपना फर्स्ट व्लॉग बना रहा है। और ये देखिए, मैं भी इसमें जो डालूँगा थंबनेल, वो फर्स्ट व्लॉग का डालूँगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट व्लॉग ही नहीं था, मैं ऐसा ही मतलब वीडियो बनाया, उसके बाद डाल दिया, उसके बाद मेरे अंदर ऐसी खूबी आई कि मैं व्लॉग बनाऊँ, व्लॉगर बनूँ। तो मैं इसको जो दूंगा, ये व्लॉग मेरा बहुत ही अच्छा व्लॉग है, शायद आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इसलिए मैं इसमें डालूंगा थंबनेल माई फर्स्ट व्लॉग, ताकि बहुत सारे लोग देखेंगे इसको कि पहला व्लॉग कैसा बनता है, नहीं बनता है। तो मैं सोचा कि व्लॉग ऐसे वैसे बनाऊँ, फिर सोचा नहीं थोड़ा अच्छा बनाऊँ। तो इस ठंडे में रुकते हैं और समी भाई का थोड़ा वेट कर लेते हैं, और इस ठंडे में रुक के आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पर किस तरह का झाड़ी है। देखिए इसके अंदर सांप वाँप हो सकती है, तो और यहीं पर रुकेंगे हम, और ये देख सकते हैं। थैंक यू नीतीश कुमार जी, आपने ये पार्क बना के हम लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किए, हम लोग यहाँ पर आके घूम सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। और समी भाई और कौशल वहाँ पर देखिए आ रहे हैं शायद, हाँ देखिए वो समी भाई अपना स्टैंड से वो वीडियो बना रहे हैं, मैं अपना हाथ से ही बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा माइक ही ख़राब हो गया, तो अगर मैं स्टैंड से बनाऊँ तो वो कैमरा दूर हो जाती है, और मेरा आवाज़ आप तक नहीं पहुँच पाएगी अच्छी तरह से, तो मैं सोचा हाथ से ही बना लेता हूँ। तो ये देखिए कितना, इसके अंदर पानी बहुत है, क्या बताऊँ, अगर जाएंगे तो फिर वापस नहीं निकल पाएंगे, इसके अंदर इतना पानी है, क्या बताऊँ आप लोगों को। इसको जो बनाया था वो बड़ी जेसीबी से बनाई गई थी, और इसमें रुपया भी बहुत लगा हमारे नीतीश कुमार जी के, मतलब हमारे नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे थे, और फिर से शायद वो जीतने वाले हैं कहाँ के। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ का व्यू। भाई जुड़ चुके हैं, ये लोग बोल रहे थे मुझे भी यूट्यूब में शामिल करो, ये देख सकते हैं। मैं इससे अपना इसका नाम पूछूंगा, आपका नाम क्या है भाई? इसका नाम हजरत है, और ये इसके दो छोटे छोटे गैंग हैं, मतलब तीन का एक गैंग, ये लोग भी घूमने आए हैं पार्क के अंदर। तो अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, क्या बताऊँ आप लोगों को, तो थोड़ा पूरा देखिएगा और लाइक कीजिएगा। जी छोड़ के लगे हुए हैं, तो जाके उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे साथ वो थे, तो उसका भी उसको सपोर्ट करना मेरा वाजिब बनता है। तो मैं सोचा आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊँ, तो दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को क्या, मतलब एक खेल है नज़ारा, तो आप लोगों को दिखाता हूँ, मतलब एक चीज़। तो जा रहे हैं आगे की ओर, यहाँ पर मुझे कांटा चुभ गया, ये देख सकते हैं मेरा अंगड़ी से ब्लीडिंग हो रहा है, थोड़ा दुख रहा है, छोड़िए इतना तो होता ही है। तो मैं बहुत दिन से सोच रहा था आप लोगों को दिखाऊं, ये जो मतलब मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, ये पहले के ज़माना में हमारे दादी सब जो हैं वो बोल रहे थे, ये बंदे का जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरा छेड़ देता, तो ये लोग शर्मा जाता था, ये फिर अभी शायद नहीं शर्माता है, तो मैं अभी इसको दिखाता हूँ आप लोगों को ये कैसे शर्माता है। मैं इसको अभी टच करूँगा तो अपने से मुड़ जाएगी, ये देखिए ये मुड़ गई, ये भी मुड़ गई, जितना को मैं टच किया उतना मुड़ गई, जितना मैं नहीं किया तो वो, और अभी मैं इसको पैर से करूँगा, ये देखिए तो पूरा मुड़ जाएगी, ये देखिए मैं अभी इसको पैर से टच किया तो ये पूरा मुड़ गई, ये देखिए इस पैर को शायद छुई मुई बोलते हैं, और ये देख सकते हैं ये पूरा मुड़ गई, और एक इससे बड़ा है, मैं आपको वहाँ पर जाके दिखा रहा हूँ, मैं आपको इससे अच्छा भी दिखाऊंगा यहाँ से अच्छा, इसलिए मैं बैक कैमरा से दिखा रहा हूँ आप लोगों को।
ये लोग बदमाशी करने वाले हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ बहुत बड़ी झाड़ी है ये। और ये देखिए मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, मैं इसको आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। ये देखिए, देख लिए आप लोग, इसी को बोलते हैं छुईमी का पेड़। और मैं आप लोगों को एक अजीब तरह का जगह दिखा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए आप लोग, ये देखिए वहाँ पर जो है सांप वगैरह रहते हैं। और ये देख क्या बताते हैं, ये देखिए यहाँ पर जो है शियार रहते हैं इस तरह का, उस वो लोग का घर यही है। यहाँ पर डर लग रहा है, निकलो यहाँ से, सांप है। चलो भाई, चले चलो भाई, यहाँ पर सांप था, निकलो यहाँ से, निकलो निकलो यहाँ से। क्या है वहाँ पर सांप था, डर लग रहा था। और यहाँ पर मेरे अंकल जो जा रहे हैं वो साइकिल से आए थे, और हम लोग अपना बाइक से आए हैं और यहाँ से निकल रहे हैं। बहुत देर रुक गए हम लोग और बहुत आनंद आया हम लोगों को। और जितना स्ट्रिंग में पिया था फिर से उतना एनर्जी मेरा ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मेरा भी तबीयत थोड़ा डाउन चल रहा है। मैं दो दिन मतलब नहीं सोया रात में, मुहर्रम देखने के चक्कर में और आप लोगों के लिए वीडियो शूट करने का चक्कर में। तो आप लोग पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद फिर मैं पहले वो वीडियो डालूंगा, उसके बाद फिर ये वीडियो अपलोड करूंगा। तो चलते हैं अब हम लोग अपने बाइक के पास, फिर बाइक निकालेंगे, फिर निकलेंगे यहाँ से। बाइक के पास आ चुका हूँ, मतलब बाइक नहीं गिरेरा नहीं, स्कूटी के पास। और मेरे मामू स्कूटी को निकालेंगे और मैं जाऊँगा बाइक चलाते हुए, इसलिए मैं चश्मा पहन लिया हूँ। और ये देखिए